नाम शिव है इस फिल्म में, और ये जो है ये बॉस का छोटा भाई है इस फिल्म में। वैसे 22-23 साल का लड़का है, और ये कभी ही डजंट स्टैंड फॉर इनजस्टिस। तो जब भी ये कोई गलत काम होते हुए देखता है तो वो ज़रूर खड़े उठ के, मतलब ही मेक श्योर कि किसी भी तरीके से वो गलत काम को दबाए, और अपने बाप का बहुत आदर करता है, रिस्पेक्ट करता है, और अपने बड़े भाई के साथ उसके बहुत अच्छे ताल्लुक हैं। इस फिल्म में मेरा एक रोमांटिक एंगल है अदिति राव हैदरी के साथ, और उनके साथ जब ये हमारा रोमांस शुरू होता है इस फिल्म में, उस रोमांस की वजह से फिल्म में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाती हैं, और उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए फिर मेरे बड़े भाई बॉस फिल्म में एंट्री लेते हैं, और फिर वो दोनों भाई मिलकर कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाते हैं ताकि मेरी जो लव लाइफ है अच्छी रहे। मिथुन सर जो है वो मेरे फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, एंड ये जो फिल्म है इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। एक जो थीम है वो है बाप और उनके दो बेटों की कहानी, और दूसरी जो थीम है इसमें वो है दो भाइयों की कहानी। एंड अक्षय सर, मिथुन सर एंड मी, हमारे काफ़ी सीन्स हैं, तो बहुत मज़ा आया मिथुन दा के साथ काम करके। एंड डैनी सर के साथ इतने सीन्स नहीं थे, लेकिन फिर भी मतलब थोड़े बहुत सीन्स थे, एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू मीट हिम, क्योंकि मैंने उनको सिर्फ बड़े पर्दे पर देखा है। अगर आपको सुनने में आया कि मुझे सपोर्ट किया जा रहा है, तो फिर ऐसे बेहुदा सवाल मुझे पूछने ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए अक्षय सर जो है मुझे बहुत ही डे वन से सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं ये नहीं कहूँगा कि आई एम श्योर एवरी वन इज़ एंटाइटल्ड टू देयर ओन ओपिनियन, बट मैं आपको इतना कह सकता हूँ उनके बारे में कि उन्होंने मुझे डे वन से बहुत सपोर्ट किया है, और ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ कि जितना उन्होंने मुझे बोला था जब स्क्रिप्ट नरेशन के दौरान, और जब हमारी मीटिंग हुई थी कि इस फिल्म में आपको इतना काम मिलेगा, इतना काम मतलब ये आपको गाना मिलेगा, ये आपके एक्शन सीक्वेंस हैं, मुझे उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने दिया है, और आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। जी, मेरे दो तीन एक्शन सीन्स हैं इस फिल्म में, एक उन्हीं के साथ है, अक्षय सर के साथ, दो अलग से हैं, और एक रोमांटिक गाना भी है। तो मेरा जो फेवरेट गाना है इस फिल्म में एक अपनी पोड़े करके, उसका रीमेक जो इस फिल्म में बना है हमना तोड़े करके, वो गाना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत एक स्पेशल गाना आप कह लीजिए। वो इसलिए है क्योंकि वो पहली बार ही मैंने अक्षय सर के साथ कैमरा फेस किया था उस गाने की शूटिंग के दौरान, एंड ऑल्दो मैं उनको पिछले साल से काफ़ी महीनों से जानता था, लेकिन पहली बार ही सेट पर मैंने उनसे मुलाकात की इस गाने के दौरान। एंड ये एक बहुत ही स्पेशल नंबर इसलिए क्योंकि फिल्म के दौरान दोनों भाई जो हैं उनका बहुत सालों के बाद एक मिलन जो आप कह सकते हैं होता है इस गाने के बीच। आई थिंक अगर आप अक्षय सर को भी ये सवाल पूछेंगे कि कौन है बॉस बॉलीवुड का, तो उनका भी यही जवाब आएगा कि हर हफ्ते बॉस फ्राइडे को बदलता रहता है। तो मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि मी एज अ यंग एक्टर, आई थिंक मेरे लिए बहुत मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतने बड़े बॉस से सीख मिली, एंड आई डोंट थिंक उनके जैसा मतलब लार्ज हार्टेड पर्सन यू नो आई हैव कम अक्रॉस इन दिस इंडस्ट्री सो फार, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो। मैंने अक्षय सर की कंपनी के साथ तीन फिल्मों के लिए मुझे साइन किया गया है। मुझे एक्चुअली पहले जब मैं उनसे मिला था तो सिर्फ बॉस के लिए हमारी एक बात हुई थी, लेकिन फिल्म के दो तीन महीने की शूटिंग के दौरान हुआ क्या कि उन्होंने मुझे दो फिल्में और ऑफ़र की, और बोला कि करना चाहोगे, मैंने कहा हाँ। तो अब आगे के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दो तीन जगह मतलब बात चल रही है, लेकिन मेन अभी शायद इसके बाद एक और फिल्म इन्हीं की कंपनी के साथ शुरू होगी।